जिले का ऐतिहासिक स्थल, यहाँ के पूर्वांचल में यह स्थल प्रसिद्ध था, आज भी है। जिस तरीके से हम लोग ताजिया पे जलपान की व्यवस्था हिंदू भाई की तरफ से होता है, आज दुर्गा पूजा में भी मुसलमान भाइयों की तरफ से लगभग 6 जगहों पे इस बार होना है और बड़े ही सकुशल संपन्न तरीके से यह त्यौहार मनेगा, यह पूरी आशा और विश्वास के साथ में। प्रशासन को तानाशाही? प्रशासनिक तानाशाही नहीं है, सारे प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। थोड़ा नगर पालिका ईओ की तरफ से मनमानी हुई है, जो हम लोगों ने 20 दिन पूर्व रोड का ये मनीषा हाजीपुरा से बाल्मीकितन तिराहे तक रोड खड़ा गड्ढे थे, उसके लिए हम लोगों ने बताया भी प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन उन लोगों के कान में जू नहीं रेंगा। आज हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है, डीएम को भी बताया है, अगर आज भी रात में नहीं होता है तो कल हम कोई न कोई कठोर कदम उठाएंगे, इसके लिए जो भी हो वो सारा जिम्मेदार ईओ होगा। किस स्थान पे है ये? पूरे मिर्जा हादीपुरा से लेके बाल निकेतन तिराहे तक रोड में काफी गड्ढे हुए, इससे मूर्ति खंडित भी हो, और जब विसर्जन होगा तो उस दिन 1,00,000 लोग सड़क पे होते हैं, और जब गड्ढे में लड़के हैं नाचते हैं, भीड़ होती है, किसी का पैर टूट गया, किसी कुछ भी हो सकता है, या दुर्घटना कुछ भी होगा, इसके लिए मैं सीधे सीधे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को माने योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क हमारी होगी जी, लेकिन अब तक गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हो पाई। गड्ढा मुक्त उस समय कुछ हुआ, लेकिन इस समय फोर लेन का काम इतनी जोरों पे है कि पुरानी सड़कों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या जब फोर लेन का काम हो जाएगा तो इस सड़क की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो समस्या आज के डेट में सब सरकारी नहीं है, नगर पालिका की समस्या, त्योहारों पे उत्पन्न होता है, त्योहारों पे हम लोग देते हैं, त्योहार का मेला फंड माननीय जिला अधिकारी के पास आता भी है, लेकिन इस बार कोई काम हुआ नहीं। और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोग सब आपसी सौहार्द बना रहे, इसके साथ ही और ये पंडाल बनाए हैं, कितना भव्य पंडाल गोला बाजार का हर साल बना, आज का नहीं, पहले यहाँ गाजीपुर बलिया आजमगढ़ से लोग देखने आते थे पंडाल, आज भी हमारा उसी परंपरा में गोला बाजार के हमारे सारे वॉलंटियर, सारे लड़के, सारे लोग आपकी सहयोग सद्भावना से इतना भव्य पंडाल, इतना बढ़िया सजावट की है, मूर्ति और पंडाल से हमारे बंगाल से खरीद कर आते हैं, वही बना रहे हैं। कितने सालों से? कितने सालों से प्रतिमा रखी जा रही है? 44 साल हो गया 1974 से रखी जा रही है, 44वां साल है, 6 साल बाद हम लोग 50वीं हम लोग भव्य रूप से मनाएंगे। समाज को संदेश क्या कहना चाहते हैं आप? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से पूरा मऊ जिले में दुर्गा पूजा सज रही है, भव्य रूप से सद्भावना से आपस में मिलजुल के त्यौहार को मनाएं और सारा त्यौहार सकुशल संपन्न।